किया और इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए जो एक तकनीकी तौर पर समाज के लोगों के सुझाव, ये हमने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होगा वो संकल्प पत्र जनता की उनकी अपनी जन आकांक्षाओं के आधार पर तैयार होगा और उसको बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम ने किया है कि मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और इसलिए आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, तो भाजपा का संकल्प पत्र यानी वादे को प्रयास से विश्वास में बदलने की गारंटी, इसी उद्देश्य हम आज मध्य प्रदेश के विधानसभा 2023 के चुनाव का संकल्प पत्र का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं। यह मात्र कुछ पन्ने नहीं है बल्कि यह दस्तावेज है जिसके पीछे वह भरोसा का मतलब भारतीय जनता पार्टी का तथ्य साकार होता है। पिछले 20 साल से जनता ने जिस भरोसे से हमारा साथ दिया है उसको आगे भी साकार करने की जिम्मेदारी इस संकल्प पत्र में निहित है। भाजपा का संकल्प पत्र पूरे प्रदेश की जनता की सहभागिता, पर्याप्त शोध, सर्व कल्याण की सोच के साथ तैयार किया गया यह संकल्प पत्र है। हमने प्रदेश के 21 दिनों तक 5 हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं चली थी। हमने उस समय भी मीडिया के मित्रों को कहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा जो प्रदेश के 11,000 किलोमीटर के भूभाग से गुजरी और 1,000 से अधिक स्थानों पर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, पूरी यात्रा के दौरान जो जन सैलाब उमड़ा उससे स्पष्ट हो गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं। मध्य प्रदेश के आगामी स्वर्णिम काल के लिए इस यात्रा का हिस्सा 1500 से अधिक जन आकांक्षा पेटी हमने उन स्थानों पर रख करके जगह जगह पर आम जनमानस से प्रदेश के भविष्य की रणनीति, जनता की आकांक्षाओं सुझावों को रूप में एकत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के छोटे छोटे स्थानों पर किया था। जन आकांक्षा पेटियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में आज मुझे बताने में कि जो हमने कहा था उसको इस रूप में भी किया, 7 लाख से अधिक सुझाव एकत्रित किए गए व प्रबुद्ध सम्मेलनों में प्रदेश के 50,000 से अधिक प्रबुद्ध जनों के परामर्श के साथ इस संकल्प पत्र को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की टीम ने हमारे नेतृत्व ने किया है। इसलिए इस यात्रा में एमपी के मन में मोदी अभियान के तहत लोगों की जन आकांक्षाओं का संकलन किया गया, साथ ही प्रदेश के सभी 52 जिलों में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए इसके बाद गहरा शोध करके हमने 5 साल में विकास के विजन स्वरूपी इस संकल्प पत्र को तैयार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया है। भाजपा संकल्प से सिद्धि के तक के सफर में विश्वास रखती है। 2018 में हमने जितने संकल्प लिए उन संकल्पों पर हमारे नेतृत्व ने लगातार काम करते हुए आज मध्य प्रदेश में जो विकास की धारा पिछले 20 वर्षों से चली है उसी धारा को गति और प्रदेश के स्वर्णिम काल के पथ को प्रशस्त करने के लिए हमारा संकल्प पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों के माध्यम से भाजपा सरकार में रखी गई विकास की आधारशिला को समापन तक पहुंचाने का काम और उसे कार्य रूप में परिणत करने का काम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जनता कहती है कहां मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था आज विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। जनता कर रही मध्य प्रदेश के अंदर ये पुकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है तो विकास और गरीब कल्याण के साथ आज इस मध्य प्रदेश के अंदर मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ ये संकल्प पत्र आज हम सब लोग मिलकर के आज यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए
पूरे नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि आपके सामने आज ये संकल्प पत्र जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर लेकर के जाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी को कि वे आए और संक्षिप्त तौर पे अपना एक उद्बोधन रखें। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करते हुए इस बात के लिए भी कि आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प पत्र उनके हाथों समर्पित होगा आप सबकी उपस्थिति में। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में जो हमारा रोड मैप होगा मध्य प्रदेश को देश में सर्वोच्च राज्य बनाने के लिए, उस दस्तावेज से आज ये तय होगा। मैं पुनः हमारे सभी नेतृत्व का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यहां पर आप सबकी उपस्थिति के लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और मैं अगली श्रृंखला में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और लाडली बहनों के लाडले भैया और लाडली भांजी और भांजियों के लाडले मामा आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से आग्रह करता हूं कृपया अपना संबोधन हम सबको प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करने हमारे सौभाग्य से पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे सहयोगी मित्र सिंधिया जी, प्रहलाद जी, अश्विनी जी, फग्गन सिंह जी, बहन कविता जी और मित्रों, कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत ये कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है, और ये गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, मेरे मन में आज संतोष का भाव है ये कहते हुए कि हमने जो सोचा था और पहले कहा था वो हमने
पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। जो योजनाएं जन कल्याण की भी बनी वो केवल कागजी योजनाएं नहीं थी, जनता की तकलीफ देख के, उनका दर्द और परेशानी देख के, और कई बार तो उनकी पंचायतें बुला के उनसे सलाह मशवरा करके हमने मध्य प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। अगर हमने देखा था कि बेटियां कोख में मारी जाती है, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती हैं, तब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अस्तित्व में आई। बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी बहनों को देने का काम किया। शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 30% पुलिस की भर्ती में आरक्षण किया, 50% शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण किया, लाडली लक्ष्मी, उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद संबल जैसी योजना, लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति दीदी तक का सफर महिला सशक्तिकरण का एक सचमुच में बहुत सशक्त सफर है। और जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोष है कि हम बहनों के सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर पाए। हमने देखा था बचपन में किसान की फसलें बिना पानी के सूख जाती थी, तो खेत में पानी देने के लिए सिंचाई को हमने हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। और हम सब जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13,00,000 करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। शानदार सड़कों का जाल हो, या बिजली का उत्पादन हो, या फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना हो, मध्य प्रदेश ने कई पहले अपनी तरफ से की है। 15-16% के ब्याज से घटा के 0% ब्याज करना हो, या किसानों को प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो, मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है CM राइज स्कूल। हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की, और कोविड काल में हमने की थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए। अभी CM राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में भविष्य में CM राइज स्कूल हो, ताकि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, किसानों के बेटा बेटियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते रहें। शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, निवेश लाना हो चाहे टूरिज्म हो, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का सवाल हो, मध्य प्रदेश में हमने कई अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर प्रदेश के विकास की दृष्टि से साबित हुए हैं। और उन सब कामों को करते हुए मैं आज सचमुच में गौरवान्वित अपने आप को भी, पूरी टीम को महसूस कर रहा हूँ। हमारे संकल्प पत्र के बारे में और जो हमारे विकास की यात्रा है उसके बारे में विस्तार से विवरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वो देंगे। लेकिन 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों के दौर से आज मेट्रो रेल तक का सफर, हमारे टपरे वाली ITI से ग्लोबल स्किल पार्क तक का सफर सचमुच में बहुत गौरवशाली है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित मध्य प्रदेश बने हैं। और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, PM आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, PM स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूँगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय
मुख्यमंत्री जी, अब इस कार्यक्रम की मुख्य श्रृंखला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रोत्कर्ष का नया इतिहास रचा जा रहा है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होता जा रहा है। हम संकल्पित हैं सशक्त भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत के लिए, और इन्हीं आह्वान के साथ मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आज के इस संकल्प पत्र के लोकार्पण और हमारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए गए संकल्प के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, भारत सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, और राज्यसभा में मेरी साथ सदस्य श्रीमती कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच, और यहाँ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के और दिल्ली से भी आए हुए सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबको अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं संकल्प पत्र के बारे में। मैं संकल्प पत्र के विषय में चर्चा करने से पहले भारतीय जनता पार्टी, चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है, यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए, और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में, चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। और जब मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेशन किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मध्य प्रदेश के
इलेक्टोरेट के सामने मुझे इस बात को भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है तो 20 इयर्स बिफोर मध्य प्रदेश कैसा था, ये आज की फर्स्ट जनरेशन जो है वो आज की जो यंगर जनरेशन है उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मध्य प्रदेश था। और इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके माध्यम से हमारी यात्रा रोड